नमस्कार सर। सत्संग। क्या शुभ नाम है जी आप जी? जी मेरा नाम किशन लाल चौधरी। सर कहाँ से आए सर? मैं गांव फतेहगंज परासिया तहसील उनेरा जिला टोंक राजस्थान से हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं गवर्नमेंट विद्यालय में साइंस टीचर हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले भगत जी हम वही भक्ति और उपासना किया करते थे जो एक साधारण ग्रामीण हिंदू परिवार में किया करते थे। देवी देवताओं की पूजा, उवत भूत और पितरों की पूजा, और इनके अलावा 1990 से गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती है वो कल्याण पत्रिका का मैं नियमित पाठक रहा हूँ 1990 से 97 तक। तो उसमें विभिन्न प्रकार की सनातन साहित्य में अपने हिंदू धर्म के आधार पर विभिन्न देवी देवताएं थे उनमें हमारी श्रद्धा बढ़ी, लेकिन हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि वास्तव में परमात्मा है कौन। 1997 में फिर गायत्री परिवार शांति हरिद्वार में 1997 में गायत्री परिवार में दीक्षा ली और गायत्री परिवार में गायत्री मंत्र की दीक्षा के बाद शांति कुंड हरिद्वार के दिशा निर्देशों में जैसा उन्होंने विधि विधान और साधना की विधि बताई उनके आधार पर नवंबर 2011 तक वो उपासना ही की। और उस उपासना में रोजाना कम से कम 3 मालाएं गायत्री मंत्र की जाप करना, इनके अलावा दोनों नवरात्रि के अंदर 24-24 हजार के गायत्री मंत्र के लघु अनुष्ठान का पुरस्करण करना, इनके अलावा गायत्री मंत्र का हवन, और हम विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों आदि का आयोजन करते थे। और तहसील स्तरीय में गायत्री परिजन प्रमुख एक कार्यकर्ता भी था उनेरा तहसील का, जिसमें भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन करवाते थे और विभिन्न प्रकार से हम इसमें सहयोग करते थे। सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि पहले आप वही भक्तियाँ करते थे जो एक आम हिंदू समाज में प्रचलित हैं, उस भक्ति का आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपको इवन दो तो ये भी पता नहीं चला कि एक परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और इसी भूल भलैया में आप पहुंच गए हरिद्वार, गायत्री परिवार से आप जुड़ गए और उनके द्वारा बताई गई विधि विधान के अनुसार आपने भक्तियाँ की, आपने अनुष्ठान भी बहुत किए। तो सर ये सब जो भक्ति आपने की उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भयंकर भूकंप आया था तो गायत्री परिवार से एक अखंड ज्योति पत्रिका निकलती है, अभी भी निकल रही है वो अखंड ज्योति पत्रिका और युग निर्माण योजना और प्रज्ञा अभियान पाक्षिक। तो उस प्रज्ञा अभियान पाक्षिक में एक समाचार छपा था कि गुजरात में जो लाखों लोग उस भूकंप में मारे गए थे उन भूकंप में मरने वालों में एक भी गायत्री परिजन नहीं था और किसी भी गायत्री परिजन की किसी भी प्रकार की जनधन की हानि नहीं हुई है। उस समाचार से हमारे अंदर दृढ़ता आई और हमने अपनी पूरी निष्ठा के साथ गायत्री मंत्र का जप और विधि विधान के आधार पर अनुष्ठान शुरू कर दिए। लेकिन नवंबर 2011 में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जन्म शताब्दी समारोह के अंदर 1551 कुंडीय यज्ञ था, उस यज्ञ में जन्म शताब्दी समारोह का यज्ञ था उसमें हमारी भागीदारी थी, मैं मेरे साथियों के साथ शांति कुंज हरिद्वार गया हुआ था और वहां पर जो यज्ञ का मेन वेदी थी हमारे आंखों के जट सामने वहां भगदड़ हुई और कम से कम 22 गायत्री परिजन मारे गए। उसके बाद में मेरे मन में आचार्य जी के प्रति थोड़ी श्रद्धा कम हो गई और गायत्री मंत्र से जो मेरे अंदर जो निष्ठा थी, जो दृढ़ता वाली भावना थी वो अचानक खत्म हो गई और मैं भक्तिहीन हो गया एक तरह से। उस समय हम आचार्य जी को महाकाल का अवतार और शांति कुंज को महाकाल का घोंसला कहा करके बड़े प्रसन्न हुआ करते थे और सद्गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद हमें पता चला कि महाकाल कौन है और उनकी क्या स्थिति है। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भगत जी नवंबर 2000 के हादसे के बाद मैं बिल्कुल भक्तिहीन हो गया था, कहीं भी मेरी श्रद्धा नहीं थी। तो उस समय मैं कहता मैं साइंस हैंड आदमी हूँ और मैंने कभी साहित्य पढ़ा नहीं था, लेकिन मैं नौकरी में आने के बाद मैंने हिंदी से एमए किया था और उस एमए हिंदी के अंदर एक पेपर एक कवि का होता था, उसमें विद्यार्थी अपनी चॉइस के आधार पर कोई भी एक कवि चूज करता है, सूरदास हो, तुलसीदास जी हो, रहीम जी हो, कबीर जी हो, कोई भी। तो मैंने कबीर साहब का
पेपर चूज किया था और वो पेपर 15 नंबर के, उसमें क्वेश्चन आते थे और पास होने के उद्देश्य से पासबुक में से उनके कबीर साहब के पदों को हम पढ़ते थे और उन पदों को पढ़ के हम पास हुए। और जब नवंबर 2011 की घटना के बाद में जब कहीं भी हमारा मन नहीं लगा तो वो कबीर साहब की वो पद बार बार रह रह के मन में याद आते थे। उनका जो रहस्यात्मकता थी, आडंबरों का विरोध था, वो सारी बातें हमारे मन को बार बार प्रेरित करती थी कि क्यों ना हम कबीर साहब का कोई साहित्य पढ़ें या उनसे कहीं कोई साहित्य मिल जाए तो हम उनसे प्रेरणा लें। और इसी उदयपुर में, क्योंकि मैं गायत्री परिजन था और स्वाध्याय मेरे जीवन का अंग था, मैं रोजाना घंटा आधा घंटा रोज स्वाध्याय करता था, अब भी करता हूँ, तो उस हिसाब से मेरे मौसा जी के यहाँ टोंक में मैं बैठा हुआ था, घर पे कोई नहीं थे और बैठे बैठे ऐसे भक्ति सौदागर का संदेश कोई किताब पड़ी हुई थी मौसा जी की, वहाँ वो मैंने उठकर पढ़नी शुरू कर दी। और जैसे मैंने शुरुआत से पढ़ाई, शुरुआत में मुझे रामपाल दास जी महाराज ऐसे लगे जैसे कोई कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हों और ये कोई हिंदू धर्म का नाश करने पे तुले हुए हों। लेकिन जैसे जैसे मैंने 3-4 पन्ने आगे पढ़े तो वहाँ पे विभिन्न संतों की जो वाणियाँ थी वो वाणियाँ मेरे मन के आर पार निकल गई और मैंने मौसा जी से कहा कि मौसा जी मैं ये किताब ले जाना चाहता हूँ और इसको मैं पढ़ना चाहूँगा। दूसरे दिन तक मैंने वो किताब कंप्लीट कर ली और उसमें आश्रम के फ़ोन नंबर लिखे हुए थे, आश्रम के फ़ोन नंबर पर मैंने बात की और यहाँ से मुझे एक किताब निःशुल्क और प्राप्त हुई ज्ञान गंगा नाम से। उस ज्ञान गंगा किताब को पढ़ने के बाद मेरे मन में और लगभग दोनों किताबों का मैटर एक जैसा ही था, मेरी जिज्ञासा ही और तीव्र हो गई। संयोग से क्या हुआ कि हमारे गांव से 25 किलोमीटर के लगभग एक हमारे जान पहचान वाले थे, वो यहाँ आए हुए थे और यहाँ आकर यहाँ से 2 साहित्य लेके गए थे, गहरी नजर गीता में और आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। तो मैंने जैसे फोन पे उनसे बात की, मैंने कहा भगत जी ऐसे ऐसे करना, भगत जी शब्द हम उस समय यूज नहीं करते थे, तो कहना हाँ वहाँ की 2 साहित्य मेरे पास है, तो मैं उसी समय मोटरसाइकिल लेके उनसे दोनों ग्रंथ लेके और जब तक वो ग्रंथ पूरे नहीं हो गए मैं उनको पढ़ता रहा और पढ़ने के बाद ऐसा आनंद आया और ऐसे विचार बने कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ है तो यही है। और मैंने परमात्मा से प्रार्थना की कि अगर आप में कुछ शक्ति है तो मुझे जरूर इसका कुछ वो दें। तो पूर्णिमा की रात में, डेट तो मुझे ध्यान नहीं रहा कब तक कौन सी थी वो, लेकिन पूर्णिमा की रात थी, उस रात को जब तक मैंने गुरुजी कहीं फोटो भी नहीं देखी थी, नहीं कहीं टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा था, तो उस पूर्णिमा की रात को 12:30 बजे के लगभग कि चल उठ 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 ऐसी आवाज आई, एक वो धुंधला सा गुरुजी का जो चेहरा था, आप सफेद सफेद बाल गोरा गोरा सा चेहरा, वो मुझे धुंधला लगा, मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, तो मैंने सोचा भाई कहीं ये तो काल के जाल हैं, आते रहते हैं। कुछ दिनों बाद में फिर ऐसा ही हुआ, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो मन में हमारे वो थे बातें भाई गुरुजी हमें कुछ ऐसा करें तो वो है ये बात। हमने उसी भगत जी से कहा भगत जी हमें वहाँ लेके चलो आप, तो भगत जी ने कहा कि ठीक है आप जयपुर से 6:25 बजे पर गाड़ी जाती है जयपुर हिसार, उसमें निकल जाओ। तो मैंने कहा नहीं मैं कभी इधर गया नहीं, आप हमारे साथ चलो। तो भगत जी हमारे साथ आए और यहाँ पर हमने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे पता चला और एहसास हुआ कि वास्तव में कोई मूल मंत्र थे, प्रथम मंत्र में भी हमने पता चल गया कि मूल मंत्र थे तो यही थे जो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें प्रदान किए हैं। सर पहले आप परंपरागत जो भक्ति करते थे और उसके बाद आप गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े और उन्होंने जो इस भारत वर्ष की धरा पे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी त्रासदी आई थी 26 जनवरी 2002 को गुजरात में जो भूकंप आया था, अपने भक्तों को मिसगाइड करने के लिए उन्होंने एक मिथ्या प्रचार किया कि उस भूकंप में जहाँ लाखों लोग मारे गए थे तो गायत्री परिवार से जुड़ा किसी साधक को एक्सति नहीं हुई। और अभी आप बता रहे थे कि उन्हीं के अनुष्ठान में जो उनका मेन अनुष्ठान था शांति कुंज हरिद्वार में, उसमें भगदड़ में 22 लोगों की जाने गई, तो उससे सबको देख के आपकी आंखों के आगे जो सब घटनाक्रम हुआ उससे देख के आप काफ़ी विचलित हुए और आप एक नास्तिकता के कगार पे चले गए। क्योंकि वो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि मन को ठेस लगी कि एक झूठ का सहारा लिया गया गायत्री परिवार से सब समाज को जोड़ने के लिए कि हमारे भक्तों को वहाँ कुछ नहीं हुआ और आपकी आंखों के सामने 22 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद आप नास्तिक हो गए और फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की आपके ऊपर दया हुई कि उन्होंने आपको सोते से जगाया और
सतलोक आश्रम बरवाला में ला के आपको वो सतभक्ति और शास्त्रानुकूल साधना दी, जिसे पाने के लिए बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रयासरत रहते हैं, उन्होंने तपस्या भी करते हैं उसके लिए, लेकिन उस ज्ञान को वो छू भी नहीं पाते, प्राप्त करने की तो बात दूर है। वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं, जा दिन सतगुरु बेटिया ता दिन लेखे लाख, बाकी समय बर्बाद गया बिना गुरु के ज्ञान। जा दिन सतगुरु बेटिया ता दिन लेखा जान, बाकी समय बर्बाद गया बिना गुरु के ज्ञान। तो सर मुझे बड़ी दुख है इस बात का कि आप जैसे समझदार व्यक्ति और इन आडंबर ढोंगियों के जाल में फंसे रहते हैं। खैर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपके ऊपर दया की, उन्होंने आपको यथार्थ भक्ति दी। उस भक्ति को करते हुए आपको क्या लाभ मिला? सतगुरु रामपाल जी महाराज शरण में मैं 4 जून 2012 को आया, और उसके बाद मेरी दूसरी आज यहाँ लग गई थी, और मैं मेरे निजी काम से यहाँ पे हनुमानगढ़ आया हुआ था। तो शाम को मैं घर से मोटरसाइकिल चलाता टोंक के लिए, टोंक से बस जयपुर के लिए आती है। तो जब मैं घर से चला तो मेरे दाएं पैर में यहाँ पे खुजली चल रही थी, थोड़ी सी सूजन थी, तो मैंने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, और मैं रात भर सफर कर रहा हूँ बस में करके हनुमानगढ़ पहुँच गया। हनुमानगढ़ जब पहुँचा सुबह 5:30 बजे, तो वहाँ देखता हूँ मेरे पैर में ज़्यादा सूजन आ गई, और मुझसे चलने में भी मतलब अब सामर्थ्य नहीं रही थी। वहाँ बैठ के कैंटीन में चाय पी रहे थे, तो चाय वाले ने कहा कि भाई साहब ये क्या हुआ, और उसमें 2 फलक भी हो गए थे। तो मैंने कहा कि भाई ये पता नहीं क्या हो गया, कोई बैठे बैठे हम सारी रात बैठ के आ रहे हैं इसलिए सूजन आ गई। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई जहरीला कीड़ा खा गया। भाई मैंने कहा हो सकता है, मुझे तो पता नहीं कहाँ खा गया। तो हम उस दिन सारा काम करके वापस घर पे गए। शाम को घर पहुँचते ही मैंने आश्रम फोन किया, एक भगत जी से फोन किया, भगत जी ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसा हुआ है, और हमारे गाँव में इस प्रकार जहरीले कीड़े खाने इस पर तेजा जी महाराज के यहाँ जाते हैं और वहाँ पे जोत बत्ती वगैरह लगाते हैं। परमात्मा का साफ आदेश है कि जो कुछ भी करना है आपको परमात्मा के नाम से, केवल कबीर परमेश्वर को करना है और किसी को कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से मैं यही आदेश मिला कि आप हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं किसी के, आप जाएंगे नहीं देवस्थान पे। तो मैंने रात घर वालों ने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई तेरे तो जहरीला कीड़ा खा गया, और सुबह तो हालत खराब हो जाएगी तेरी, और सुबह आपको जरूर वहाँ तेजा जी महाराज के यहाँ लेके चलेंगे और जोत जलाएंगे। मैंने परमात्मा से रात को प्रार्थना की कि परमात्मा मेरी श्रद्धा को आप संभल देना, मेरी निष्ठा को दृढ़ करना, और रात को रात भर में मेरे साथ जो कुछ हुआ भगत जी, परमात्मा ने रात को ही नींद में मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई। मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, परमात्मा ने कहानी सुनाई कि बेटे मेरे ऐसे ऐसे हमारे घर में 2 बैल थे, और इस प्रकार बैलों एक बैल के पैर में कील लग गई, और उस कील के लगने के कारण वो हाड़ी जो था उसका, तो कील का ध्यान नहीं रहा और पैर बैल का पैर सूज गया और बैल चलने में असमर्थ हो गया। फिर हम उसको वहाँ गांव में जो डॉक्टर थे जानवरों के उसको दिखाया, तो डॉक्टरों ने बता दिया घुटनों पे दर्द, और वहाँ पट्टियाँ बांधने शुरू कर दी। तो सदगुरुदेव जी कह रहे थे कि दर्द तो थोड़ा उसका पैरों के अंदर कील के कारण, और हम इलाज करवा रहे थे घुटनों पर। इस प्रकार जो कहानी उन्होंने सुनाई तो मुझे जोरदार हंसी आई, और जोरदार हंसी आई तो मेरे परिवार वाले सारे उठ के आ गए, कहा क्यों हंस रहे भाई, क्या बात हो गई। मैंने कहा कि गुरुजी ने ऐसी कहानी सुनाई, और जैसे ही मेरा ध्यान पैर पे गया, सच मानिए एक मामूली मात्र भी वहां पे सूजन नहीं थी, बिल्कुल साफ। जबकि कम से कम हम मेडिकल के हिसाब से भी उसको आराम मानते तो कम से कम 1 सप्ताह लगना चाहिए था, हाथों हाथ रात में ही उसको बिल्कुल साफ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इससे मेरी निष्ठा और दृढ़ हो गई। इसके अलावा ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद भी हम यहाँ से 4G का एक कार्ड ले गए थे, तो हम परिवार वाले सारे सुनते थे बैठ के, और उस कार्ड से हमें जो अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हमारे घर वालों की निष्ठा भी बढ़ गई। घर वाले भी हमें भी लेके चलो, ये ज्ञान तो बड़ा तगड़ा है। घर वालों को मैं जी में बिठा के यहाँ सबको नाम दान दिला ले गया। भगत जी क्या हुआ कि जैसे ही हम गाँव गए वापस, घर वाले आए थे मेरे, दोनों भाई छोटे बच्चे भी आए थे, दोनों माँ भी आई थी, हम वापस गए थे, लेकिन हम एक भी ज्ञान गंगा की पुस्तक लेके नहीं जा पाए। और दूसरे तीसरे दिन हमारे घर पे 2-3 मेहमान आ जाते हैं, और वो हमने पोस्टर लगा रखा था वहाँ मकान में, पूछते हैं ये कौन है क्या है क्या है, तो हमने उनसे सारी बात बताई। लेकिन हमारे मन में एक बात थी कि काश अगर हमारे पास ज्ञान गंगा होती तो
तो हम इनको एक एक ज्ञान गंगा देते और इस भक्ति मार्ग को हम और आगे बढ़वा देते, इनका भी कल्याण करवाते। तो हम मैं इस बात की गरी निराशा हुई सारे परिवार वालों, उनको जाने के बाद हमने घर पे बात की तो सारे परिवार वालों में ऐसी बहुत निराशा हुई कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम वहाँ से एक भी ज्ञान गंगा नहीं ला पाए। भगत जी, दूसरे दिन हमारे जिले के जो कोऑर्डिनेटर हैं सीताराम दास जी बागड़ी, उनका फोन आया, न तो मैं उनको जानता था न मैं उनको जानते, न हमारे एक दूसरे के पास फोन नंबर थे। उन्होंने फोन किया कि भगत जी हम ऐसे ऐसे आश्रम से बोल रहे हैं, आपके यहाँ गाँव आना चाह रहे हैं। मैंने कहा साहब आइए, ऐसे मैंने उनको पूरा रूट बता दिया, मैं आपकी सेवा में तैयार मिलूंगा। मेरे को क्यों आ रहे साहब? अगर जी आप कहने साहब हम पुस्तक सेवा में आ रहे हैं, पुस्तकें लेके आ रहे हैं और आपके यहाँ होते हैं, वो वापस मालपुरा जाएंगे, एक घंटा देंगे आपको केवल। मैंने कहा साहब आइए। सतलोक आश्रम के 7-8 सेवादार और गुरु जी की गाड़ी, गुरु जी की गाड़ी भी आगे पोस्टर लगा हुआ, माइक चलता हुआ जिसमें प्रवचन चल रहे थे। और वो हमारे गांव में जब मैंने देखा तो आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे मन में कितनी श्रद्धा और निष्ठा उमड़ी। और कोई भी सतलोक का जो साधक है, जो भगत है, अगर उसने कभी कल्पना नहीं की अचानक गुरुजी की गाड़ी, सतलोक की गाड़ी, सतलोक की सेवादार अगर अचानक आप एक घर पे पहुंच जाएं, रात तो आपने बात ही की थी, सुबह पहुँच जाएँ तो आपको कैसा अनुभव होगा आप बता सो सकते हैं कि हमारे साथ कितना सुखद अनुभव रहा होगा। इसके अलावा रोजाना साधना टीवी के ऊपर गुरुजी के प्रवचन आते हैं, उसमें नीचे एक पट्टी लगी होती है जिसमें ज्ञान गंगा फ्री मंगाने के लिए सुविधा दे रखी है परमात्मा ने सबको। तो एक भगत ने वहाँ से फ़ोन किया टोंक से, तो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने भगत जी ने हमें फ़ोन किया कि आप ये पता और फ़ोन नंबर नोट करो और आप इनको ज्ञान गंगा पहुँचाओ। हमने उन फ़ोन नंबरों पर उनको ज्ञान गंगा पहुँचा दी और ज्ञान गंगा पहुँचाने के बाद उस ज्ञान गंगा के पीछे मैंने लिख दिया था खाली पेज आता है उसमें मेरा फोन, अधिक जानकारी तो संपर्क करें, मेरे फोन नंबर लिख दिए थे। महीने डेढ़ महीने बाद उन भगत जी का फोन आया कि मार साहब आप आइए एक बार हमसे बैठ के बात करिए। मैंने कहा साहब मैं कल परसों आ जाऊंगा। कहे नहीं आप तो आज ही क्यों नहीं आ जाते? कहे नहीं मैं कल संडे आपको बैठ के बात करूंगा। ठीक है, हम टोंक पहुँच गए। टोंक पहुँचने के बाद हमारे एक स्टाफ साथी और थे, उन दोनों को लेकर हम घर पहुँच गए। तो हमने उनसे चर्चा की, मैंने आपको ज्ञान समझ में आ गया? कहने साहब बिल्कुल समझ में आ गया, मैं वहाँ मधु परमंश जी का ऐसे ऐसे वो उनमें सत्संग में जाता था और सारी बातें सही है। अच्छा, तो अब मैंने कहा साहब आपको इस मार्ग में जाने के लिए सारी तो बुराइयाँ छोड़नी पड़ेगी और आप अगर कि बीड़ी तंबाकू सिगरेट कुछ पीते हो तो इनको भी त्यागना पड़ेगा, तब आप परमात्मा के शरण में जाना, पहले अपने आप को शुद्ध कर लेना। कहने जी मैंने हमने सामने छोड़ दिया, लेकिन हमारे साथ एक अजूबा हो गया। मैंने क्या हुआ जी? कहने जी हमारी जो भगतमती, उनकी जो भगतमती थी उनके कैंसर की गांठी थी गले में और वो टोंक में कम से कम 9 महीने से इलाज करा रहे थे। उनका मतलब ऑपरेशन तो हुआ नहीं था लेकिन मेडिकल दवाई वो ले रहे थे। दवाई लेते लेते उनको मतलब कुछ ही फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप जयपुर जाइए और वहाँ पहले इसकी जांच करवाइए, हमें लगता है कि ये कैंसर है। तो कहना जी हमने देखो वो बैग जमा लिया और सुबह जयपुर जाने की तैयारी में थे और रात को दोनों ने परमात्मा को ये मान लिया कि परमात्मा हम आपकी शरण में हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन इसके कैंसर नहीं आना चाहिए जांच के अंदर। तो कहने सुबह साहब हम नहा धोके जब जाने को तैयार हुए हैं और देखा तो भक्तमती की गांठें गायब हो गई थी और वो भक्तमती आज भी यहाँ सत्संग में बैठी हुई है। मार साहब आप हमें वहाँ लेके चलो। मैंने कहा जी मैं आगे वाले संडे में जो आ रहा है सत्संग वहाँ उनमें आपको लेके चलूँगा। तो वो मैंने बता दिया ऐसे जयपुर से आप गाड़ी में बैठ के निकल जाना। तो वो संडे का उन्होंने जाने किया, वो दूसरे दिन यहाँ आ गए, नाम दीक्षा ले गए और आज भी वो भगत जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर मैंने फ़ोन पे बात किया उनसे, मैंने कहा भगत जी क्या रहा? कहने साहब हम जाए ही वहाँ पे। तो मैंने कहा भगतमती जी तो अनपढ़ थी सारी बातें, वहाँ कैसे क्या रहा होगा वहाँ? तो कहने साहब सेवादारों सब बातें, मैंने भगतमती से बात कराओ आप मेरी। भगतमती से बात किया उन्होंने, तो भगतमती जी ने कहा कि जी मैंने मंत्र वंत्र जो गुरु जी ने बुलवाए मैंने बोले और मैं याद भी करूँगी, लेकिन मैं तो परमात्मा से ये प्रार्थना कर रही थी कि परमात्मा मैं हमेशा आपको मन में याद आपको याद रखूंगी। और जैसे कि ना मैं दर्शन करने गई, परमात्मा ने कहना मैंने सिर पे हाथ रखा और कम से कम 15 फीट आगे निकल गए और 15 फीट आगे निकलने के बाद वापस लौट कर आए और फिर दोबारा हाथ रखे, ये कहा कि बेटी घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। तो सदगुरु जी रामपाल जी महाराज की उन पर असीम कृपा है, सभी अपने भक्तों पर परमात्मा ऐसी कृपा करेंगे। मगर जी सबसे बड़ा लाभ हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से ये मालूम हुआ, अब तक हिंदू धर्म के जितने भी साधक हैं भगत हैं वो सब जानते हैं कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है, लेकिन वो परमात्मा कौन है
उस परमात्मा की खोज में सब भटक रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि कोई ब्रह्मा जी को, कोई विष्णु जी को, महेश जी को, वो सब अलग अलग बता रहे हैं। तो परमात्मा की शरण में आने से हमें एक तो परमात्मा का पता चला, हमारी मृत्यु क्यों होती है, हमारा स्थायी स्थान कहाँ है, और इस भक्ति के करने से हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा, ऐसा परमात्मा का आश्वासन है। परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल फिरता रहूँ जब तक धरती आकाश। अगर इन परमात्मा की शरण में कोई एक बार भी आ गया तो परमात्मा का आश्वासन है कि उस भक्त का वो उद्धार करके रहेंगे, मोक्ष उनको प्रदान करवा के रहेंगे, ऐसा आश्वासन किसी भी महंत संत आचार्य ने आज दिन तक, या किसी भी ऋषि मुनि ने, या देवताओं ने आज दिन तक, या किसी भगवानों ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया जैसा परमात्मा ने हमें दिया है। सर, आपका मानना है कि परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको मोक्ष मार्ग मिला और आपको उस एक परमात्मा का पता चला जिसे सब कहते हैं परमात्मा एक है, एक है उस कबीर परमेश्वर का जो सतलोक में रहता है और उसकी सत्य भक्ति का जो हमें मोक्ष दिला सकती है, वो आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से प्राप्त हुई। तो सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं संदेश नहीं बल्कि मैं एक आत्मीय अनुरोध करना चाहूँगा, विशेषकर मैं गायत्री परिजनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आज दिन तक आपने बहुत मंत्रों का जाप कर लिया, बहुत भजन कीर्तन कर लिए, बहुत नाम उच्चारण कर लिए, और आपके पूर्व एक गायत्री परिजन का एक अनुरोध है जिसपे आप विचार करेंगे, जो वर्तमान में आप गायत्री मंत्र जाप कर रहे हैं वो बनावटी और मिलावटी है। इसका प्रमाण हमारे सद ग्रंथों में है कि जो गायत्री मंत्र आप जाप कर रहे हैं वो यजुर्वेद के अध्याय 36 का श्लोक नंबर 3 है, और उसमें ओम मंत्र नहीं है, मूल पाठ में ओम मंत्र नहीं है, जबकि हम आज दिन तक गायत्री मंत्र के नाम पे ओम लगा के उस मंत्र को जप रहे हैं और जपवा रहे हैं, तो ये मिलावटी है। दूसरी बात, ये बनावटी है। बनावटी कैसे है कि परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि उस गायत्री मंत्र को आप जिव्या से जाप नहीं कर सकते। गायत्री वेद जाने कडियारा चौका निर्णय करे विचारा, आदि गायत्री अमर स्थानम सोहम तत्वले हंसा लोक समानम, कहे कबीर गायत्री कलसान अजर अमर घर मूल ठिकान, नाही सुमरन जिव्य आवा अदर निरंतर ध्यान लगावा, सत गायत्री अजपा जापम और कहे कबीर अमर घर वासम, अचिंत पुरुष की गायत्री दीन कबीर बताए और निशदिन जो सुमरन करे कर्म भरम मिट जाए, सत गायत्री सुमिर के आवागमन नसाई और सत लोक वासा करे कहे कबीर समझाई। तो भगत जी, आदिशक्ति गायत्री तो यह है जो अजबा जाप है उसका, और हम जो गायत्री मंत्र जानकर जाप कर रहे हैं वो जिव्या से जाप करने वाला है, इसलिए वो बनावटी है, और मूल गायत्री जाप अजबा जाप है जो संत रामपाल जी महाराज हमें देते हैं, सब भक्तों को दूसरे मंत्र में देते हैं वो। और सभी भक्त जो जहाँ पे भी अपनी आस्था लगाए हुए हैं वो पूरी तरह से प्रभु प्रेमी आत्माएं हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने कर्मवशों से पता नहीं वो कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं, तो वो एक बार जीवन में कम से कम एक बार सतलोक आश्रम में तीर्थ के रूप में एक बार यहाँ जरूर आएं, अपना परमात्मा से अपना नाम लें, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं वो वर्तमान में साकार रूप में सदगुरु रामपाल दास जी महाराज के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। सत्साहिब सर, आप टीचर हैं और इंटेलेक्चुअल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, यानी कि पढ़े लिखे समाज से आप संबंध रखते हैं, तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी धार्मिक गुरुओं को, आचार्यों को, शंकराचार्यों को, ऋषियों को, महर्षियों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है ताकि भक्त समाज को सत भक्ति का ज्ञान हो, उन्हें कैसे मुक्ति मिले इसका एक निर्णायक ज्ञान समाज के सामने पेश हो सके। तो क्या कहना चाहते हैं आप, कैसा लगता है आपको जब परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इन संतों को आमंत्रित किया? तब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और जो भक्त इस बात को जानते हैं कि परम गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी आचार्यों, महर्षियों, मंत्रों, मठाधीशों, विद्वानों, जो विभिन्न धर्मों के प्रमुख हैं, उनको रजिस्टर्ड एडी लिखा है कि आप आइए, आपका काम भी जनता का कल्याण करना है, मेरा काम भी जनता का कल्याण करना है, अगर मुझमें कहीं कुछ गलती है, मैं कुछ गलत ज्ञान बताऊं तो आप मुझ में सुधार करवाइए, और आप अगर कुछ गलत बताएं तो मैं आप में सुधार करवाऊंगा, इसलिए हम सब भक्तों के सामने बैठकर ज्ञान चर्चा करें ताकि भक्तों का कल्याण हो, लेकिन उनमें से एक भी आचार्य ऋषि मंत यहाँ पे नहीं आए
और विभिन्न टेलीविजन के चैनलों के संवाददाताओं के द्वारा उनसे उनके जानकारी पूछी गई और वो जानकारी भी मिथ्या थोती और अधूरी निकली। परमात्मा ने सब शास्त्रों में दिखा दिया उन सब बातों को। परमात्मा व्यसन मुक्त और जो जितनी बुराई है उनको छुड़ाना चाह रहे हैं और परमात्मा की वाणी में इतना प्रभाव है कि प्रत्येक जो भगत है वो व्यसन करना तो दूर वो किसी को उसके लिए प्रेरित भी नहीं करता है। और हमारा जो पवित्र सिख समाज है उस सिख समाज में परमात्मा कहा करते प्रवचनों में कि ऐसे बहुत सारे व्यसन हैं, तो परमात्मा की वाणी का ही प्रभाव समझिए कि अभी 18 तारीख को अकाल तख्त की वहाँ बैठक हुई है और अकाल तख्त की बैठक के अंदर एक निर्णय पास हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी सिख परिवार है, जिस अगर सिख परिवार में मदिरा मांस और तंबाकू का सेवन होगा वो परिवार गुरु ग्रंथ साहब को अपने घर में नहीं रख सकेगा। तो ये मैं मानता हूँ कि सदगुरु रामपाल महाराज की वाणी का ही प्रभाव है कि सिख समाज के जो भक्त हैं उनका भी अब कल्याण होने वाला है, वो भी इन बुराइयों से दूर होंगे और परमात्मा की शरण में आएंगे। जी सर, आप कुछ और बताना चाहेंगे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, या जो लाभ वो अपने श्रद्धालुओं को उनकी भक्ति से मिल रहे हैं उसके बारे में? संक्षेप में मैं कहूँ तो हम सब इस समय ऐसे भाग्यशाली हैं और हम अपने भाग्य की सराहना करें कि हम इस समय प्राइम टाइम में, पीक टाइम में हमारा जन्म हुआ है। और जो श्रद्धालु यहाँ से नहीं जुड़े हुए हैं उनसे मैं विनती करूँगा कि वो परमात्मा के शरण में एक बार जरूर आएँ और अपना कल्याण कराएं। बस मैं यही कहना चाहूँगा जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।